रूपनगर के वार्ड नंबर 2 के सदावत अंबेडकर नगर के अज बिजली के शॉर्ट सर्कट करके गरीब परिवार के घर में अचानक अग लग गई, जिस करके घर में रखा सारा घरेलू समान पूरी तरह से सड़ के सुआह हो गया है। नाल ही घर में रखी 65,000 रुपए की नकदी भी सड़ गई है, जिस 33,000 वो सन जो कि उन्होंने बैंक तो कारोबार वधाने लिए कर्जा लिया होया सी। इस मौके पीड़ित परिवार के इलाके के MC ने दसाया है कि बड़ी ही मुशक्कत तो बाद घर में लगी अग ते काबू पाया गया, पर फिर भी घर में रखा सारा ही समान सड़ गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार कबाड़िए का काम करते हैं, बड़ी मुश्किल नाल अपना घर का गुजारा करते सन, इसलिए पंजाब सरकार नू गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए है। औखा सौखा मेहनत करके जुड़ गया बेचारा। मेरा नाम रोकी है सर। ये तार छोड़ होने कारण अग लग गई अंदर, जिदे विच मैं तकरीबन परसों लोन लिया 33,000 रुपए का, तो वह भी मेरा सड़ गया जी बिच ही। ये तकरीबन जद मैं बंदे ने बुला गया, जद मेरे सारे समान अग चलिया 65,000 रुपया सी टोटल। LCD जल गई जी, फ्रिज जल गया, मेरा चूल्हा जल गया, लवारी जल गई, जो भी सी बैड बुड सब जल गए जी मेरे। काम की करते हो? काम कबाड़ दा जी। लोन कादे वास्ते लिया? लोन भाजी काम बधाण वास्ते लिया सी। की मांगा प्रशासन? यही है कि मेरी गरीबी बस माड़ा मोटा हल किया जाए, जो मेरा हो गया नुकसान। ये असल थोड़े समय पहला मैनू इन्होंने फोन आया इन्हों का, तो इन्होंने मैं दसिया भी साढ़े घर के अग लगी हुई है, जिस कारण सारा इन्हों का घर का समान तो प्लस कुछ कैश पिया सीगा वो सारा जल के राख हो चुका है। मैं मौके पर आके देखा इन्हों का काफ़ी हद तक नुकसान हो गया, बहुत गरीब परिवार है, बड़ा औखा। इन्होंने मेहनत ना अपना समान इकट्ठा किया, पर अज कुदरत का भाणा यह जहाँ भी इन्हों का सारा समान जल के राख हो चुके है। भाई कोई अस्तबाजी अग उग लगी कि नहीं? इन्हों दे कोई तार शॉर्ट सर्किट होया जिस वजह ना अग लगी है। अस्तबाजी वाला इतने कोई नेड़े तेड़े चलाने वाला कोई नहीं है। कि यह है जी सदा वर्त अंबेडकर नगर रूपनगर तो सुषमा मोदगिल की रिपोर्ट, पंजाब टूडे।